नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर CIA स्टाफ की टीम ने 3 नशा तस्करों को किया काबू। 6 किलो हेरोइन, 1,70,000 रुपए की ड्रग मनी, 2 मोटरसाइकिल किए बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 1 किलो अफीम की बरामद। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में संतोखपुरा से श्री गुरु रविदास समाज सुधार सभा की ओर से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर CIA स्टाफ को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब उन्होंने 3 नशा तस्करों को काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए CIA स्टाफ अमृतसर के DSP इंद्रजीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर CIA स्टाफ की ओर से 3 नशा तस्करों को काबू किया गया है, जिनकी पहचान मनदीप सिंह, हरजोत सिंह और लखबीर सिंह के तौर पर हुई है। इनके पास से करोड़ों रुपयों की कीमत की 6 किलो हेरोइन, 1,70,000 रुपयों की ड्रग मनी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे पूछताछ की जा सके कि ये इतनी बड़ी मात्रा में कहां से हेरोइन लेकर आए थे और आगे कहां सप्लाई करनी थी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जदों CIA दी पुलिस पार्टी साडे SI हरजिंदर सिंह ਇਹ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋਟਲੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਮੱਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਰੋਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ 1,70,000 ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਸਬਾ ਚਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਰੋਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ, ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत 1 नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP क्राइम परमजीत सिंह ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में नशे की रोकथाम के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसके तहत CIA स्टाफ जालंधर की पुलिस टीम नहर पुली बाबा बुड्ढा जी नगर जालंधर के नजदीक गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस पार्टी ने कपूरथला रोड के किनारे एक व्यक्ति को पॉलिथीन बैग पकड़े आते हुए देखा। इस दौरान पुलिस पार्टी को देखकर संदिग्ध व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस पार्टी ने उक्त नौजवान का पीछा कर उसे काबू कर लिया और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो अफीम बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान किशन लाल निवासी शहीद बाबू लाभ सिंह नगर जालंधर के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर CIA इंचार्ज सुरेंद्र कुमार इन्हों की पुलिस पार्टी ने पुलिस स्टेशन बाबा खेर विखे नाकाबंदी की हुई थी, जिथे किशन लाल नाम का एक व्यक्ति जरा काबू किया गया, जिसे 1 किलो अफीम बरामद हुई, जिसके तहत मुकदमा नंबर 43 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਵਾ ਖੇਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास समाज सुधार सभा की ओर से प्रधान हंसराज राणा की अध्यक्षता में संतोखपुरा से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भजन मंडलियां व तरह तरह के बैंड आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने श्री गुरु रविदास जी महाराज के भजनों की धुनों से सारे वातावरण को गुरुमय किया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस विशाल शोभा यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह संकीर्तन मंडली ने संकीर्तन कर सारे वातावरण को गुरुमय कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक KD भंडारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, SGPC से कुलवंत सिंह मनन,
पूर्व पार्षद परमजीत सिंह रेरू, पूर्व पार्षद रोशन लाल चौधरी, पूर्व पार्षद निर्मल सिंह निम्मा, पूर्व पार्षद व आप नेता बाल किशन बाली, गगन बाली, तरसेम लाल भारद्वाज, कुलदीप सिंह पायलट, सुरजीत सिंह नीला महल, रविंदर सिंह स्वीटी, गुरमीत सिंह बिट्टू, राजेश ठाकुर, अनुपम शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुधार सभा के प्रधान एवं पूर्व पार्षद हंसराज राणा ने आए हुए गणमान्यों का स्वागत कर उन्हें गुरुघर का सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधान हंसराज राणा, मनोज कुमार, सतेंद्र सिंह फौजी, स्वरूप लाल, देसराज राजा, राजकुमार गुरमुख सिंह, सुच्चा बदन, कश्मीरी लाल, धर्मपाल मिक्का, योगेश कुमार, भूपिंदर सिंह गोल्डी, बिल्लू, बलदेव राज, टिंकू बाबा, सुधीर कुमार सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। इसी तरह संतोखपुरा से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा के मार्ग पर श्री गुरु रविदास प्रकाश उत्सव कमेटी संतोखपुरा की ओर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर धर्मशाला कमेटी एवं जंज घर में चौधरी परिवार की ओर से पूर्व पार्षद रोशन लाल चौधरी की अध्यक्षता में विशाल लंगर लगाया गया, जिसका शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच ने किया। इस मौके पर गायक जोनी महे एंड पार्टी ने श्री गुरु रविदास महाराज की महिमा का गुणगान कर संगत को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद रोशन लाल चौधरी, कमल चौधरी, दीपक चौधरी, रजनीश चौधरी, अमनदीप चौधरी, संदीप चौधरी, विनय चौधरी, जसविंदर सिंह, बलदेव राज, विनय कुमार, देसराज, सुरेंद्र पाल सिंह खालसा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश उत्सव के संबंध में जितने विश्व भर के संतान अज शोभा यात्रा ने नगर कीर्तन की तैयारी के बैठी हैं, उत्थे कड़ी लड़ी के तहत संतोखपुरा श्री गुरुदास समाज सुधार सभा तो सारा मोहल्ला, लगभग सारा मोहल्ला जरा इकट्ठा होकर नगर कीर्तन की तैयारी के चले हैं। शहर की परिक्रमा करने वास्ते जिथे रविदास महाराज के चरणों में बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह मेहर पर यात्रा की साढ़े ते उत्थे नाल दी नाल असी जिन्हां कोलों मेरा मंगण जाने संत रंजन दास जी महाराज, उन्हां नूं भी रविदास महाराज जी तंदुरुस्त करके बनारस भेजो ताकि उह संगतां दा जिहड़ा उत्साह है उहनूं होर वधाउण। एक बार फिर श्री गुरु रविदास समाज सुधार सभा महला संतोखपुरा वालों विश्व भर दीआं संगतां नूं लख लख करोड़ करोड़ वधाइयां। आस ते उम्मीद कि श्री गुरु रविदास महाराज इहनां दी मनोकामना सारी पूरी करनगे। अज की इस शोभा यात्रा का आरंभ करने वास्ते मेरे वड्डे भाई शीतल बेग जी जिला प्रबंधक कमेटी के प्रधान वो भी बहुत जल्दी पहुँचने वाले आ। नचदा शरे बाजार इश्क पिया नचदा है, हो नचदा शरे बाजार इश्क पिया नचदा है। ऐसी चढ़ती लहर इश्क दी, ऐसी चढ़ती लहर इश्क दी, भुल जांदा संसार इश्क पिया नचदा है, हो नचदा शरे बाजार इश्क पिया नचदा है। बुल्ला नचया मुर्शद ताई, नच मनाया बुल्ले साई, नचया मुर्शद ताई, नच मनाया बुल्ले साई, बुल्ला नचया मुर्शद ताई, नच मनाया बुल्ले साई, बुल्ला नचया मुर्शद ताई, नच मनाया बुल्ले साई, नचया जे मुर्शद मन जावे, नचया जे मुर्शद मन जावे, होर लैना की दिलदार इश्क पिया नचदा है, हो नचदा शरे बाजार इश्क पिया नचदा है। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश उत्सव के संबंध में जिते अज विश्व भर दीआं संगतां शोभा यात्रा नगर कीर्तन के रूप के चली है,
उस लड़ी के तहत श्री गुरु अरदास समाज सुधार सभा मालना संतोखपुरा जलंधर तो एक बहुत वही शोभा यात्रा जी है चल रही है, जिंद अगवाई मेरे बहुत ही सत्कारयोग दी कला प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल बेद जी मेरे व्डे भाई कर रहे हैं। हर साल पहला भी अज भी आने वाले समय के इन्होंने रहनमई करनी साड़ी, क्योंकि श्री गुरु अरदास महाराज जी कहा कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभव से रविदास रहे पता। सर्वधर्म सम्मेलन करवाने वाले पिछे सोसाइटियां ने भी लंगर लाया, हरभजन संधु जी भी बैठे, मेरा छोटा भरा मेरा पुत्र विजय मंडार भी अपनी टीम के नाल लैके सारे उत्थे स्टेज हर साल लाता लंगर भी लाता है तो सन्मान भी करता। मेरा नची सतगुर ताई अर्था सतगुर होए सहाई, मेरा नची सतगुर ताई अर्था सतगुर होए सहाई, हार बनावे सप्पा दे ओ, हार बनावे सप्पा दे ओ, बेड़ी कर दे पार इश्क पिया नचदा शरे बाजार इश्क पे नचदाए, बुल्ला नचया मुर्शद ताई नच मनाया बुल्ले साई, नचया जे मुर्शद मन जावे, नचया जे मुर्शद मन जावे, होर लेना की दिलदारी शुभिया नचदाए, ओ नचदा रविदास महाराज जी का 647वां प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा और भावना मनाया जा रहा है। साडे वीर हंसराज राणा जी संतोखपुर तो बड़ी वीड्डी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मैं सारी संगत को बहुत ही बधाई देना वा और महाराज अरदास करूँगा कि सारे के घर के खुशियां तमाम करावे, साडा समाजिक भाईचारा इस तरीके मजबूत रहे, ऐसी महाराज जी ने मैं प्रार्थना करता वा। सारी संगत को बहुत बहुत लख लख मुबारकबाद, सारे के घर के खुशियां खेड़े भगवान साहब की कृपा करो। शरे बाजार इश्क पे नचदा ए, ओ नचदा शरे बाजार इश्क पे नचदा ए। नच मनाया बुल्ले साई, बुल्ला नचया मुर्शद ताई नच मनाया बुल्ले साई, बुल्ला नचया मुर्शद ताई नच मनाया बुल्ले साई, बुल्ला नचया मुर्शद ताई नच मनाया बुल्ले साई, नचया जे मुर्शद मन जावे, नचया जे मुर्शद मन जावे, होर लेना की दिलदारी शुभिया नचदाए, ओ नचदा शरे बाजार इश्क पे नचदाए, ओ नचदा शरे बाजार इश्क पे नचदाए, गाने नी साज 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 मेरा नची सतगुर ताई अर्था सतगुर होए
फतेहगढ़ चूड़िया रोड दबुर्जी पर मोटरसाइकिल पर आ रहे एक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए हैं और पुलिस के उच्चाधिकारियों से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाए। इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि ज्ञान सिंह मोटरसाइकिल पर आ रहा था। इस दौरान रास्ते में उसकी कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह से मारपीट की गई और उसे ऐसे दर्शाया गया कि जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। इस संबंधी उनकी ओर से पुलिस को भी बताया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसलिए पीड़ित परिवार ने उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस संबंधी मामला दर्ज कर लिया गया है और डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਵਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ASI ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI ਥਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ, ਬਲਗਲਾਂ ਚੌਂਕੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਦਿਨ 'ਚ 50 ਫੋਨ ਕਰੀਦੇ ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 7-8 ਵਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋਏਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਥਾਣਾ CIA ਸਟਾਫ 2 ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਬ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी गश्त के दौरान गांव भैनी बासरके के गुरुद्वारा साहिब के नज़दीक मौजूद थी। इस दौरान सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को काबू किया गया, जिसकी पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला निवासी गांव भैनी बासरके थाना छहरटा अमृतसर के रूप में हुई है, जिसके पास से 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे ये हेरोइन सनी नामक युवक के पास से खरीद कर लाया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, ताकि इससे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। CP साहब ने अमृतसर के दिशा निर्देश से कल साड़ी पुलिस पार्टी को उदों सफलता मिली जदों वो भैनी पासर के गश्त के दौरान एक मोने नौजवान काबू किया, जिसका नाम बलविंदर इलियस बिल्ला पुछगिछ सामने आया। जदों उसकी तलाशी ली गई तो 150 ग्राम हैरोइन रिकवर हुई। इस ते बिले से जोड़ा है होर भी एक्साइज एक्ट के 3-4 मुकदमे दर्ज ने, बाकी बैकवर्ड तो फॉरवर्ड लिंक के देखे जा रहे हैं कि कितों लैके आया, ये किसी सप्लाई कर जा रहा है। इस करके 2 दिन का रिमांड लिया, होर अगली पुछगिछ तेन क्लीयर किया जाऊगा। ये 2-3 एक्साइज के मुकदमे दर्ज ने, क्योंकि कल हूँ एक जो परचा जो NDPS एक्ट का दिता छाड़े।
पहली पंजाबी हॉरर फिल्म बू मैं डर गई की स्टार कास्ट सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस मौके पर उन्होंने गुरु घर में माथा टेक कर वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा किया और सरबत के भले की अरदास की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए फिल्म के कलाकार रोशन प्रिंस, योगराज सिंह, अनीता देवगन और निशा बानो ने बताया कि उनकी नई पंजाबी हॉरर मूवी 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसकी चढ़ती कला के लिए वे अरदास करने के लिए गुरुघर में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के मोहाली में हुई है, जिसके चलते वे गुरुघर में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ आकर उनके मन को बहुत सुकून और शांति मिली है। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी कोई नई फिल्म आती है तो उसके प्रमोशन के लिए वे सबसे पहले गुरु घर में माथा टेकने के लिए आते हैं। तो वहीं उन्होंने सभी से अपील की है कि वे ये फिल्म जरूर देखें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज महाराज के दर्शन करना है और आशीर्वाद लेना है। साड़ी फिल्म जी 1 मार्च में रिलीज़ होने वाली है, पंजाबी की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म, जिदे हसावे भी डरावे भी। बू मैं डर गई उहदे वास्ते आशीर्वाद लेने कि चढ़दी कला दे विच सारी टीम दा रहे और फिल्म चले, सारे नूं पसंद आवे। यही है जी कि मालक सब नूं चढ़दी कला दे विच रखण और जो भी आ मंगां साडियां सरकार वास्ते, सरकार लई और साडियां सारियां पूरियां होण, ते जल्दी तो जल्दी संघर्ष खत्म होवे और सारे सुखी सभी आपो अपने घर आ। इहदे विच मैनूं भी बड़ा मज़ा आया रोल करके, थोड़ा है तो कॉमेडी है, योगराज जी दे नाल नोक चोक है काफ़ी ज़्यादा और फिर भूतां जिहां दा भी सिलसिला शुरू हो जाता। एक जंगल च भी असीं फस जांदे आ, सानूं राह रस्ते नहीं लभदे, ते उह बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां मज़ेदार ने। असीं कम करदे आ, बड़ा इंजॉय कीता ते मैनूं लगदा है कि तुसीं वी सारे जणे बहुत पसंद करोगे। बिल्कुल जी, देखो ऑलवेज जदों भी कोई फिल्म आउंदी है जां साडा कोई भी चंगा काम हुंदा, असीं इत्थे आ के मत्था टेकदे आ, बाबा जी दे दरबार दे विच हमेशा हाज़री लवाउणे आ, है ना। ते हुण साडी फिल्म आ रही है ते साडा फर्ज़ बनदा कि असीं चंगी थां तों अपनी फिल्म दी शुरुआत करिए, ते असीं अपनी जिहड़ी मेरा जिहड़ा फस्ट डे आ, अज फस्ट डे आ ते मैं दरबार साहिब तों प्रमोशन शुरू कर रही हां। मर के जो इत्थे आउणा ते जिउंदे जी अज्ज चंगा तां घर ही है, यही घर है असली। जिहड़ा तुसीं सवाल पुछिआ, यही बापू ने, यही वड वडेरे ने, यही शहीद सिंह ने, बाबा दीप सिंह जी बापू जी मेरे। ते मैं तां इस दर दा भाई कुक्कर आ, कुत्ता, ते इन्नी क जोगा बस रब मैनूं बना दे जे मरां ते तेरे चरना चाह जा, बस इन्नी कृपा हुकम करो। योगराज जी, पिक्चर पहला तो बाई जी गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि पंजाबी दी सेवा करन दा मौका मिलिया और सारा पंजाब, सारा देश, सारा मैनूं बड़ा हम प्यारा है। हरेक बंदे ड्यूटी लगी है, तो मेरा ख्याल मेरी ड्यूटी लगी है भी फिल्मों के विचों दी आपां अपनी पंजाबीयत नूं कायम करना है। मैं कोशिश कर रहा 52-53 साल तो, लेकिन तरह तरह दीआं फिल्मां बणियां जी। इस फिल्म के जी सब तो वड्डी गल आ, वैसे लोग हस भी पेंदे, पर तुहाडे लई भी बड़ी कमाल की गल होगी भी चार पंजाबी इकट्ठे बह के राजी नहीं होंदे, ते जे 52 कलाकार पंजाब दे इकट्ठे काम कर रहे, कमाल है, बड़ा वड्डा अजूबा है मेरे लिए। लेकिन इन्ने सारे इकट्ठे हो के इन्होंने जिहड़ा एक दूजे का साथ दिता है, प्रोड्यूसर का साथ दिता है, इस फिल्म नूं एक मुकाम ते लैके गए, बड़ी तकलीफां इस फिल्म दे विच आईयां, गुरु महाराज ने कृपा की, तुहाडे अरगे सज्जनां ने कृपा की, तो फिल्म जिहड़ी है ये सिरे चढ़ी। तो प्रोड्यूसर बड़े ही नफीस बंदे, बड़े चंगे बंदे है, सो इस गल की बड़ी खुशी है भी सारे ने इकट्ठे होकर इस फिल्म नूं उभारिया। तो इस फिल्म दे विच मेरा, मैं कहने का मतलब हम आपां इत्थे आए हां, सुकून बड़ा आपां। अमृतसर के थाना सिविल लाइन के अधीन आते क्षेत्र कोर्ट रोड पर एक गन हाउस पर सेंधमारी करते हुए कुछ अज्ञात युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी दुकान से कुछ हथियार और नकदी चोरी कर ले गए, तो वहीं पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। सीसीटीवी में दो युवक दिखाई दिए हैं जो दुकान में घुसे और अपनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आरोपी पहले गन हाउस के साथ लगती एक दुकान के अंदर घुसे और उसके बाद दुकान में ड्रिल मशीन से छेद कर गन हाउस के अंदर घुस गए। दुकान के मालिक के मुताबिक अभी जांच की जा रही है कि उसकी दुकान में से कितने हथियार और कितनी नकदी गायब हुई है। वे घटना की सूचना मिलते ही एडीसीपी नवजोत सिंह संधु, एसीपी वरिंदर खोसा, थाना सिविल लाइन के प्रभारी जसवीर सिंह, सीआईए स्टाफ 1 के इंचार्ज अमोलक दीप सिंह और सीआईए के इंचार्ज राजेश शर्मा मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब रहे कि करीब 7 माह पहले भी इसी दुकान पर इसी तरीके से चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये जी अज 22 तरीक नूं सानूं करीब 1 बजे इनफॉर्मेशन मिली सी कि जो भंडारी पुल के नेड़े रॉयल गन हाउस आ उसके मालक सुरेश कुमार जी वालों मिली सी। उन्होंने दस्या सी कि रात के करीब 2 बजे कुशान अमशाते नौजवानों वालों कंधे विच पाड़ पा के उन्होंने गन हाउस में एंट्री की गई। उत्तों कुछ गन्स भी चोरी हुई कुछ कैश भी चोरी होया जी। तो सर पहला भी जी चोरी हुई है बंदे हो गए ये वेरीफाई कर रहे हैं जी, उसनों भी नाल लेके चल रहे, वो भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पहला 7-8 महीने पहले हुई सी वही चोर ने जो वक्रे ने जी। हाँ जी सर की नाम है? मेरा सुरेश अरोड़ा नाम। जो गन हाउस के चोरी हुई है उसका की नाम है? रॉयल गन हाउस। किन्ने के हथियार की चोरी हुई है? अच्छा जी 8 बंदूक गई जी 12 बोर। कीमत मार्केट वैल्यू कितनी? कोई भी वैल्यू नहीं जी। ठीक है, 7-8 महीने पहला भी चोरी हुई कि उस बंदे ने? ये बारे नहीं कुछ कह सकता जी। कितने बजे का टाइम सी? रात 2 बजे का टाइम सी।